नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत भारत के हाथ लगे हैं। पठानकोट एयरबेस हमले में पाकिस्तानियों के शामिल होने को लेकर दी जा रही भारत की दलीलों को इससे काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। पठानकोट हमले की जाँच कर रही राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को अमेरिका ने 1000 पन्ने का डोजियर सौंपा है। खबर के मुताबिक इस डोजियर में हमले को लेकर जैश ए मोहम्मद के सरगना कासिफ जान की चार फिदायिनों से हुई बातचीत भी रिकॉर्ड है। 2008 में मुंबई धमाके से पहले लश्कर के आतंकियों के बीच हुई बातचीत की तरह ही इस रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है। उस दौरान भी लश्कर के सरगना कराची से ही मुंबई धमाके की साजिश कर रहे थे। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने पुलिस से मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद के नेतृत्व वाले जमात उद दावा के मस्जिदों तथा अन्य स्थलों पर चैरिटी के जरिए फंडिंग जुटाने वाले गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। पंजाब के गृह विभाग ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को JUD तथा ऐसे ही कई अन्य संगठनों द्वारा कोष जुटाने संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा है। अमेरिका में घृणा अपराध का एक स्पष्ट मामला सामने आया है। ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाने वाले 60 वर्षीय भारतीय मूल के मुस्लिम व्यक्ति की दुकान में तोड़फोड़ की गई और दीवारों पर भारतीय वापस अपने देश जाओ और मैं तुमको मार दूंगा जैसी चीजें पेंट की गई। पेहरम्प नेवादा में डॉक्टर वकार विक्र अहमद की दुकान की दीवारों पर चित्र बनाए गए। इस मामले को अब घृणा अपराध मानकर जांच की जा रही है। अहमद ने कहा कि उनको पहले भी ताने सुनाए जाते रहे हैं और उन पर भारतीय मूल के और मुस्लिम होने को लेकर भी हमले किए गए। हिलेरी क्लिंटन ने फिलाडेल्फिया में चल रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिवेशन में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का नामांकन स्वीकार कर लिया है। उन्होंने भाषण की शुरुआत रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना से की। हिलेरी ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए उनमें ना तो चरित्र है और ना ही अनुभव। किसी ऐसे पर भरोसा ना करें जो कहता है कि सिर्फ मैं अकेले ही हालात ठीक कर सकता हूं। क्यूकलैंड में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही कहा था। अमरीकी कभी ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं कि हम सब मिलकर हालात ठीक करेंगे। इस बीच उन्होंने बराक ओबामा की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। इस पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि बराक ओबामा ने हमारे देश को बुरे आर्थिक संकट से बचाया है। इसके अलावा उन्होंने अपने समर्थकों को शुक्रिया कहा और अपने डेमोक्रेट के प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स का भी धन्यवाद कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा मित्र मानते हैं और दोनों देशों ने कई परियोजनाओं पर मिलकर काम किया है। व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव एरिक शुल्ज ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम भारत सरकार के साथ नजदीक संपर्क में हैं। राष्ट्रपति ओबामा प्रधानमंत्री मोदी को एक अच्छा मित्र मानते हैं। हमने कई परियोजनाओं पर सहयोग किया है। विदेश की खबरों फिलहाल इतना ही। विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं MSTV.